बंगाल के टीम के साथ आज हमारा कैंपिंग छोटा सा चल रहा है। आप देख सकते हैं ये रोटला है, मैं फर्स्ट बार देख रहा हूँ। आवाज ये और गुजरात की टीम है, ये अपने में क्या बड़बड़ा लेते हैं, मुझे तो पल्ले चलो। हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ कुश्ता, मैं एमपी से जबलपुर राजस्थान माउंट अबू से, मैं इधर बेसिक कोर्स करने आया हूँ रॉक क्लाइंबिंग का। और मेरे साथ देख सकते हैं गुजरात की टीम है, आज छोटा सा हम कैंपिंग करने आए हैं। और फर्स्ट बार मैं रोटला देख रहा हूँ बनते हुए, ये ऐसे रोटला बनाते हैं, अभी मैं खा के इसको टेस्ट करूंगा। और देव भाई मेरे साथ देख रहे हैं रोटला बना रहे हैं, जो कि समोसे की पट्टी की तरह बन चुका है, ना हम लोग सभी ट्राई कर रहे हैं। और हाँ, इनकी भाषा हमको पल्ले नहीं पड़ता कि क्या बोलते हैं क्या नहीं, अपने में ही बड़बड़ा लेते हैं। और ये क्या है, ये बाजरे का आटा है, बाजरे का आटा। ये बाजरे का आटा देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो हमारी जो जबलपुर की टीम है, कुछ नई सीख रही है, कुछ नई सीख रहा है हम लोग की किस तरीके का रोटला बनाते हैं। और भट्टे को तो पूरा कोयला कर दिए, पूरा जला दिए, पता नहीं किस तरह के बनाते हैं। और काफी इंटरेस्ट लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके का बनता है। और हम रिटर्न एमपी जाएंगे तो इसको हम लोग सभी लोग ट्राई करेंगे इसको। और ये लो ना, हमारे जो भट्टा स्टूडेंट है सभी के अंदर कुछ ना कुछ हुनर है, आप देख सकते हैं। ये तो बड़ी वाली जगह है, और ये देख सकते हैं इधर पे रोटला किस तरीके से बना रहे हैं। और उधर पे शिमला मिर्च, धनिया, टमाटर और सभी सब्जी बट कट हो रही है सब्जियां, पर ये नहीं पता कि बनना क्या है सब्जी। शिमला मैम भी है साथ में, जो कि सभी को लीड कर रही है इधर पे। और बेसिक रॉक क्लाइंबिंग के इंस्ट्रक्टर हैं, क्योंकि अच्छा है एक्सपीरियंस और सभी की। आप यहाँ का लुक देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, नज़ारा है। और हमारे कई इंस्ट्रक्टर हैं इधर पे, तो अलग अलग ग्रुप लेके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत कूल लग रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं इधर पे कोर्स नहीं कैंपिंग करने आया हूँ, एक मतलब ऑलिड के साथ इधर पे। ओके थैंक यू, बाय बाय बाय। मेरे साथ और गुजरात की पूरी टीम है मेरे साथ। अभी हम लोग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हम लोग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो कितना बड़ा भर्ता है, मैडम कितना बड़ा भर्ता है, ये वीडियो बहुत शानदार दिख रहा है। अभी फिलहाल अभी तैयारी चल रही है और गुजराती की लैंग्वेज में उसे हिंदी को ट्रांसलेशन करके पूरी बात को बता रहे हैं मैम, कि मतलब जो गुजराती का जो खाना है उसको हिंदी को ट्रांसलेशन करके बता रहे कि ये है क्या, रोटला को क्या कहते हैं और किस तरीके के बनाते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके की भट्टा निकाल रहे हैं हमारे। और मेरे साथ देव हैं, रितेश भी हैं, जो कि फोटोग्राफर भी बने हुए हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है और मुझे बहुत खुशी है कि गुजरात की टीम मेरे बीच एमपी की टीम पे है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं हमारी होम स्टेट यहाँ पे। कोर्स भी हमारा साथ में चलता है, साथ ही साथ हमारा एंजॉय भी होता है। कैंप भी अभी नाइट में वॉन फायर हो और कैंपिंग भी करेंगे। ओके थैंक यू सो मच देव एंड रितेश एंड मैम एंड गुजरात की ऑल टीम एंड एमपी की टीम एंड सारे इंस्ट्रक्टर एंड हमारे रामायण के भाषण दे रहे हैं, रामायण के बाय सब लोग बाय करो बाय। हेलो गाइस, मैं सौरभ, हमारे साथ एमपी की टीम एंड गुजरात की टीम पूरी बैठी इधर पे। यहाँ पे हिंदी की भाषा में इसको शिमला मिर्ची कहते हैं एंड इसको धनिया कहते हैं।
गुजराती में ये लोग बताएंगे क्या बोलते हैं, कोतमरी, हम इसको कोतमीर बोलते हैं, कोतमरी मिर्चू। और साथ टमाटर भी है, यहाँ पे गुजरात की टीम और एमपी की टीम मिक्स बैठी है, जो कि एक दूसरे को ये क्या कहते हैं अपने अपने भाषा में ये बता रहे हैं आपस में और डिस्कशन कर रहे हैं गुजराती लैंग्वेज को हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन को गुजरात पे ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इधर पे अभी देख सकते हैं मैं शिमला मिर्ची काटा, यहाँ गुफा में निकला बोल्डर निकला है, चिमनी ने बोल्डर है। और हम गुजरात की टीम से उनकी लैंग्वेज में हम कुछ सुनना चाहेंगे, प्लीज तो बताइए आप क्या बताएं, कुछ भी। हाय गाइस, इधर आप देख सकते हैं इधर एमपी की टीम और गुजरात की टीम बैठी है, तो ये सौरभ भैया है जो एमपी से, कुछ समझते हैं जिनको कुछ गुजराती में समझ में नहीं आता, जिनकी सारी टीम की गर्ल्स गुजराती बोलती है तो इनको कुछ समझ में आता ही नहीं है, समझने की कोशिश कर रहे हैं 3 दिनों से पर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। शायद ये कह रहे हैं कि अगर 9 दिन में यहाँ रुका तो पागल हो जाऊंगा, अभी तो पागल हो चुके हैं, पागल मेरे सर के बाल जा रहे हैं सर के, देख सकते हैं मुझे अगला हो गया है, 10 दिन कितनी जल्दी निकला, मैं यहाँ से निकलना है यहाँ से।